लोकल सरकार के लिए जोर आजमाइश, द केरला स्टोरी, यूपी में भी टैक्स फ्री। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को कानपुर, बांदा तथा चित्रकूट में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दिन में 11:40 पर कमर्शियल मैदान किदवई नगर कानपुर तथा दोपहर 1:15 पर जीआईसी ग्राउंड बांदा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:40 पर रामायण मेला परिसर चित्रकूट में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार को मेरठ, बागपत व गाजियाबाद के प्रवास पर रहेंगे। वह संगठनात्मक बैठकों, रोड शो, सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव भी आज निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाते नजर आएंगे। वह कानपुर में रोड शो कर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने की अपील करेंगे। अलीगढ़ ने सोमवार को अलीगढ़ में सपा से मेयर पद के उम्मीदवार हाजी अमीरुल्लाह के समर्थन में रोड शो किया था। इसके बाद आगरा रोड पर एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव ने सीएम योगी के दंगों पर गुंडों व ताला लगाने की बात पर तंज कसते हुए कहा कि जनता को किधर ताला लगाना चाहिए वह बखूबी जानती है। ताला अलीगढ़ की एक पहचान है। ताला सुरक्षा देने की गारंटी सुनिश्चित कराता है। सिद्धांत संविधान व उनके बताए रास्ते को समाप्त करने वालों पर ताला लगाने की जरूरत है। द केरला स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। सीएम योगी भी कैबिनेट के अन्य सदस्यों के साथ इस मूवी को देखेंगे। यूपी में टैक्स फ्री हुई द केरला स्टोरी, बंगाल ने किया था बैन। चर्चित बॉलीवुड फिल्म द केरला स्टोरी को भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने भी फिल्म को कर मुक्त कर दिया था। 5 मई को रिलीज हुई फिल्म में एक्ट्रेस आदाश शर्मा मुख्य भूमिका में है, जिसका निर्देशन सुदीप्त सेन ने किया है।